तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। दोस्तों जो आज का वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है, YouTube पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों YouTube पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग तरीका है, लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं जिससे उनका चैनल ग्रो होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा और ऐसे एक सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिस ट्रिक और सेटिंग की मदद से आप लोग अपने YouTube पर सब्सक्राइबर 1 के 10 दिन में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो में आप लोगों को ये भी मैं बताऊंगा जी आप लोग 4000 वाच घंटा आप लोग कितने दिनों में आप लोग कंप्लीट कर दोगे ताकि आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों सारा तमाम चीजें मैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोग अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां से अगर हमारे वीडियो में गलती से आप लोगों ने क्लिक कर दिया हो ना, तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक और पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर सीखने को मिलेगा दोस्तों। और यहां पे और दोस्तों वीडियो को पूरा फुल देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, तभी दोस्तों आपका 1 के सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट होगा। दोस्तों अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहां से लाइव प्रूफ डिटेल समझाने के लिए मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूं। अब दोस्तों मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको यहां से क्या करना है दोस्तों, यहां से आपको अपने बड़ा वाला YouTube को ओपन कर लेना है यहाँ। अब जैसे ही दोस्तों बड़ा वाला YouTube को आप लोग ओपन कीजिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहां से अगर आप लोग जो भी अपना चैनल बनाए हैं, ठीक है दोस्तों, उस चैनल पर आप लोगों को एक वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए यहां से आपको प्लस वाला आइकन आप लोगों को दिख रहा है, तो सिंपली आपको प्लस वाला आइकन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों प्लस वाला आइकन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहां से दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए शॉर्ट, ठीक है, तो सिंपली आपको क्रिएट ए शॉर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों क्रिएट ए शॉर्ट पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहां से आपको कॉर्नर में एक आपका गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है दोस्तों, तो सिंपली आपको गैलरी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और दोस्तों आपका जितना भी वीडियो है सारा का सारा गैलरी में आपका शो कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां से आप लोग कोई भी एक वीडियो को यहां से आप लोग उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए आप लोग जिस रिलेटेड से आप लोग जिस कैटेगरी से आप लोग वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं वहां से आप लोग एडिट करके रखिए और यहां से आप लोग को उसको सेलेक्ट करके आप लोग यहां से अपलोड करना है, ठीक है दोस्तों। जो भी आप लोग वीडियो जिस कैटेगरी से आप लोग वीडियो डालते हो, ठीक है, एग्जांपल के लिए दोस्तों यहां से मैं इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां से आपको एक ऑप्शन मिलेगा डॉन का, ठीक है, तो सिंपली आपको डॉन वाला ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों डॉन वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपका वीडियो थोड़ा देर प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, ठीक है, कुछ सेकंड आप लोगों को प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, उसके बाद से दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों बात यहां पे जो मैं आप लोगों को बोला था ना इंपोर्टेड सेटिंग में आप लोगों को बताना वाला हूं। दोस्तों मान लीजिए अगर आपका अपना खुद का वॉयस है, ठीक है, मतलब मान लीजिए आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप लोग कोई भी वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, आपका ना खुद का वॉयस है, अगर आपका खुद का वॉयस नहीं, आप किसी का कॉपी कर रहे हैं, कोई सी का भी वीडियो आप लोग कॉपी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उसमें आप लोग को ट्रेंडिंग सॉन्ग डालना है, ठीक है, जो कि मैं आप लोग को इसी टॉपिक में आप लोग को बताऊंगा जो आप लोग कैसे ट्रेंडिंग सॉन्ग को आप लोग ढूंढ कर डाल सकते हो और आपका भी वॉयस है वो आप लोग को दिखाई देगा। जो भी आप लोग को मैं बताना हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोग यहाँ से और बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो करना क्या है, यहाँ से दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड ए साउंड, ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको एड ए साउंड पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों एड ए साउंड पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ट्रेंडिंग सॉन्ग आपके सामने आ जाएगा, जितना भी ट्रेंडिंग सॉन्ग है आपके पूरा का पूरा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहां से देख सकते हैं दोस्तों ये जय श्री राम, राम आएंगे, ये बहुत सारा आप लोगों का भोजपुरी, हिंदी, बॉलीवुड, टॉलीवुड जितना भी है ना सारा का सारा आप लोगों को ट्रेंडिंग सॉन्ग यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें से जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग है दोस्तों यहाँ से आप लोगों को चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये ट्रेंडिंग को चूज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा ब्लू टिक का, एरो का, ठीक है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे व्हाइट कलर का एक टिक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो सिंपली दोस्तों इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे तो सिंपली आपको वॉल्यूम पे आप लोग क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका साउंड है, ठीक है, उस साउंड को आप लोग को यहाँ से हैंड्रेड कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका साउंड है साउंड को हैंड्रेड कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों जो जो ये सॉन्ग है जो आप जिस सॉन्ग को ट्रेंडिंग सॉन्ग को आप लोग इसमें ऐड कर रहे हैं तो दोस्तों इस सॉन्ग को आप लोग एकदम मतलब थोड़ा सा कर देना, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे, ठीक है, एकदम हल्का सा, जैसे मैं 8% पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से अपना जो ओरिजिनल साउंड है इसको हैंडल कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका ट्रेंडिंग सॉन्ग है उसको 10% 8% मतलब आपको थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। और उसके बाद से ऐसे करने से आप लोगों का होगा जो आपका सॉन्ग है जो आपका ट्रेंडिंग सॉन्ग है उस पर आपका वीडियो चला जाएगा और आपका वीडियो वायरल हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जब तक आपका वीडियो वायरल नहीं होगा तब तक दोस्तों आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपका वीडियो वायरल नहीं होगा तब तक दोस्तों आपका
सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे जरूरी है आपका वीडियो वायरल कैसे होगा। दोस्तों वीडियो वायरल होगा तभी दोस्तों आपका ऑडियंस के पास पहुंचेगा, तभी दोस्तों ऑडियंस आपका चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों ऐसे कर लेना है, ऐसे करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको टिक करते सिंपली आपको टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, तो सिंपली आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग अपने जो भी जिस टाइप का है, जिस कैटेगरी का वीडियो, यहाँ पे आप लोग अच्छे तरह से टाइटल दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आप लोग शॉर्ट ये वगैरह वगैरह टाइटल वायरल ट्रेंडिंग ये सब लगा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग करना क्या है, दोस्तों यहाँ से आप लोग ऑप्शन मिलेगा अपलोड शॉर्ट, ठीक है। तो सिंपली आपको अपलोड शॉर्ट पे क्लिक कर देना है और दोस्तों आपका वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों अपने वीडियो को यहाँ से अनलिस्टेड में आप लोग यहाँ से आप लोग अपलोड कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग YT स्टूडियो से इसको पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अब दोस्तों यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अपने जो भी वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों यहीं से वीडियो को पब्लिश कर देते हैं और वीडियो ऑडियंस पास बहुत जल्दी पहुंच जाता है और वीडियो आपका वायरल नहीं होता है और आपका सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से आप लोग क्या करना है, यहां से आप लोग कोई भी वीडियो अपलोड करते हो अनलिस्टेड में आप लोग वीडियो अपलोड कीजिए, ठीक है, और उसके बाद से जाके YT स्टूडियो से आपको वहां से आप लोग को पब्लिक करना है, तभी दोस्तों आपका वीडियो वायरल होगा, तभी दोस्तों आपका सब्सक्राइबर इंक्रीज होगा, ठीक है। ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है, आप लोगों को कंटिन्यू कम से कम 10 से 15 वीडियो आप लोगों को अपलोड करना है शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट कम से कम 10 से 15 वीडियो आप लोगों को अपलोड करना है, तभी दोस्तों आपका सिर्फ 10 दिन में अगर ऐसे आप लोग कीजिएगा तो दोस्तों आपको 10 दिन में आपको 1K आप लोगों को सब्सक्राइबर इंक्रीज होकर आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूं, ठीक है, ऐसे मैं किया हूं, बहुत लोगों को कराया हूं, ठीक है दोस्तों। और ऐसे आप लोग स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो बहुत जल्द आपका 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर कंटिन्यू आप 10 से 5 15 मतलब मैक्सिमम 15 वीडियो आप लोगों को डेली वीडियो अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ बात आ जाती है वीडियो किस किस टाइम अपलोड करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ हम आप लोगों को बताते हैं, सुबह में मॉर्निंग में लगभग आप 9 से 8 के बीच में आप लोग 5 वीडियो अपलोड कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लगातार वीडियो अपलोड नहीं करना है, कुछ वेट करना है, आधे घंटा के 1 घंटा के टर्निंग में आप लोगों को वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ से आप लोग करीब दोपहर में आप लोग 1 बजे या 1:30 बजे के बीच में आप लोग 5 वीडियो को अपलोड कीजिए, उसके बाद से संध्या में आप लोग शाम को आप लोग करीब 7 बजे करीब आप लोग वीडियो 5 अपलोड कीजिए। ऐसे दोस्तों आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा, सिर्फ आप लोग 10 दिन ऐसे काम कीजिए, मैं आप लोग 100% गारंटी देता हूं आपका 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां हम बात कर लेते हैं वॉच टाइम आप लोगों को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां बात कर लेते हैं, अगर वॉच टाइम आप लोगों को कंप्लीट करना है तो दोस्तों आपका शॉर्ट से वॉच टाइम आप लोगों को कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। यहां से अगर आपको शॉर्ट 4000 वॉच को आप लोग कंप्लीट करना है दोस्तों, यहां से आप लोग को लॉन्ग वीडियो डालना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसी में मैं आप लोग को एक ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है, जिस ट्रिक की मदद से आपका वॉच भी पूछ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए आप 5-5 वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, आप 15 वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, पर डे आप लोग 15 वीडियो डाल रहे हैं, उसी में आप लोग 1 से 2 आप लोग लॉन्ग वीडियो डालिए, कम से कम 10 मिनट का ऊपर कोई भी एक लॉन्ग वीडियो, कोई भी कैसा हो भी एक लॉन्ग वीडियो डाल दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपका शॉर्ट से जो सब्सक्राइबर इंक्रीज होगा, साथ ही साथ आपका लॉन्ग वीडियो देखेंगे, तभी दोस्तों आपका वॉच भी आपको साथ साथ में कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आप शॉर्ट भी वीडियो डालिएगा, ठीक है, उसके बाद से आपका सब्सक्राइबर तो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो सिर्फ आपका शॉर्ट ही वाला जो सब्सक्राइबर आएंगे, ऑडियंस आपके सामने आएंगे, लॉन्ग वाला कोई नहीं आपका वीडियो देखेगा, ठीक है। तो दोस्तों साथ ही साथ आप लोग को दोनों काम करना है, शॉर्ट भी डालना है और लॉन्ग भी डालना है। ऐसे क्या होगा दोस्तों, आपका शॉर्ट भी सब्सक्राइबर इंक्रीज होगा और लॉन्ग भी सब्सक्राइबर इंक्रीज होगा, साथ ही साथ आप लोगों को काम करना है, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको 365 दिन का समय मिलता है 1K सब्सक्राइबर और 4000 वॉच कंप्लीट करने में, ठीक है दोस्तों। अगर इस तरह से दोस्तों मेरे बताए हुए हर स्टेप को आप लोग ध्यान से और अच्छे तरह से फॉलो कीजिएगा तो दोस्तों आप सिर्फ 1 महीना में अपने YouTube से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, तो वीडियो दोस्तों पसंद आया तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दोस्तों। हमारे पेज और चैनल पर नए हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसे रिलेटेड और हेल्पफुल वीडियो पेज और चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।